कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा चीजें करिए पीछे डिक्की में बंद कर दूंगा। माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ 10 बजे से। सो उसका रीजन ये है कि कल हम लोग निकलने वाले हैं भोपाल के लिए एंड क्योंकि अभी इतना कोरोना वायरस ये सब चीज़ें चल रहा था। सो यू नो हम लोगों ने हमारी टिकट्स बुक कर ली थी ऑलरेडी, जो हम लोगों ने कैंसिल करी है क्योंकि पैनिक नहीं बोलूंगी मैं, बट मैं थोड़ा डर रही थी एक्चुअली में। और होली पे हमारे घर वालों ने तो मना कर दिया था कि नहीं आना है, मतलब अगर इतना ज़रूरी नहीं है इतना आने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी एक दिन की छुट्टी होती है एंड ऑल दैट। बट फिर भी मेरा भी काफ़ी मन है घर जाने का एंड विकी का भी काफ़ी मन है क्योंकि चार महीने हो चुके हैं हम भोपाल नहीं गए हैं और मिलना हो जाएगा सबसे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ इतना थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन तो नहीं है बट जो लोग घर पे रह रहे हैं मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा डरते हैं बिकॉज मैं ऑल टाइम न्यूज़ देखती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही घूमता रहता है। तो प्रिकॉशंस वगैरह लेने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के चक्कर में हम लोग हमारी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं एंड दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर अवर पेरेंट्स। हम लोगों के पेरेंट्स को नहीं पता है कि हम लोग हमारी गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि एक तो वो लोग और पैनिक हो जाते हैं, वो लोग फिर अरे गाड़ी से क्यों आ रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। सुबह निकलेंगे हम लोग 4 बजे ही सोच रहे हैं निकलने का, तो सुबह जल्दी निकलेंगे टाइम से ताकि पहुंच जाएं। नहीं भी पहुंचते हैं तो इंदौर बीच में आता है, अगर हमको लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं इंदौर में तो इंदौर में विक्की के बड़े पापा रहते हैं, मेरी मासी रहती है, बुआ रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं इंदौर में, तो हम इंदौर भी स्टे कर सकते हैं अगर हमको ऐसा लगेगा कि हम थक चुके हैं अभी एक दिन का रेस्ट चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग पहुंच जाएंगे एक ही गो में, वन गो में, क्योंकि हम लोग एक बार और आ चुके हैं। नो डाउट कि कमर की वाट लग जाती है बट स्टिल एटलीस्ट हम लोग हमारे से जा रहे हैं। तो वही पैकिंग वगैरह कर रही हूँ मैं, काफ़ी सारी पैकिंग कर रही हूँ एंड भोपाल जाना इज़ ऑलवेज़ अ यू नो, मैं बहुत सारा जो सामान होता है ना जो मैं यहाँ पहनती नहीं हूँ या बस बहुत सारी चीज़ें आ जाती हूँ वो सब मैं भोपाल में जाकर के पटक के आती हूँ और बहुत डांट भी सुनती हूँ कि तुम सारा कचरा यहाँ लेकर के आ जाती हो एंड ऑल दैट। बट ठीक है, मैं सब कुछ वहाँ पर रख के आती हूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ, मैं हर बार पता है जब भी मैं शादियों में जाती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ ना तो भोपाल होते हुए ही जाती हूँ ऑब्वियसली, हमेशा मैं आई शेडोज मिस करती हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी आई शेडो पैलेट्स। तो मैं सोच रही हूँ एक आई शेडो पैलेट और एक ब्लश पैलेट मैं भोपाल में छोड़ करके आऊँ और कुछ थोड़े बहुत ब्रशेस ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो यू नो वहां पर एक लॉट रहे मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि अभी ना फ्लाइट से जा रहे हैं ना ट्रेन से या बस से जा रहे हैं तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि ज्यादा सामान हो जाएगा एंड ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो यू नो वॉट, आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस पार्सल। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इसको रिसीव करके, हालांकि उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है बट आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब मैं आज से, आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं वीडियोज़ देखती थी और इंस्टाग्राम पोस्ट देखती थी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ये आता था ना तो आई वॉज लाइक वाओ हाउ लकी, ये मुझे कब आएगा एंड ऑल दैट, ऐसे मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा यू नो। और आज ये मुझे मिला है, आई एम सुपर हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी, मैं विक्की को भी, विक्की आज घर पर था, वर्क फ्रॉम होम करा था, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पर लैपटॉप में वीडियोज़ चल रहे हैं, मैं कभी भी कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो यू नो मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ, आई लिटरली वॉच यूट्यूब वीडियोज़, मैं टीवी भी कुछ नहीं देखती हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ देखती रहती हूँ। और यहाँ पर ये पैकिंग चल रही है, मेरा ऑलमोस्ट बैग जो है वो पैक हो चुका है, काफ़ी सारे नाइट सूट्स मैं इस बार भी लेके जा रही हूँ, वहाँ रख के आऊँगी फुल नाइट सूट सारे वहाँ छोड़ के आऊँगी, शॉर्ट्स वाले सिर्फ यहाँ रखूँगी एंड येस दैट्स इट। अभी सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है मेरी और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी हो रहा है कितना बज रहा है 4:30 और हम लोग 3:15 बजे उठ गए थे ऑलमोस्ट, और अभी हमारा यू नो सारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट मतलब वही हम लोग खाने वाले हैं अपने ट्रैवलिंग में। तो ब्रेड सैंडविच बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3-3 लेयर के सैंडविचेस बन रहे हैं और हमारे आधे हमने रख लिए हैं, बाकी के और रख रहे हैं। ये सारी वाटर बॉटल्स हैं जो जाने वाली हैं, एक प्लास्टिक की बॉटल रखी है बिकॉज ये कम पड़ रही थी। तो ये है मेरा बैग जो कि जाने वाला है एंड माय मोबाइल इज़ चार्जिंग और ये हो चुका है ऑलमोस्ट एंड माय वॉच। ये रहा मेरा बैग जो कि मैं कैरी करने वाली हूँ और विक्की अभी बर्तन क्लीन कर रहा है जो थोड़े से रह गए हैं और मैं तब तक लंच पैक कर रही हूँ, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ये दिख रहा है आपको चीज़ बाहर आ रहा है। आई बॉट दिस न्यू फुटवेयर फ्रॉम लूना ब्लू और मैं कल ही लेकर के आई हूँ, दिस इज़ अ 1499 और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और यही मैं पहन करके जाने वाली हूँ। Look at the sole of these, so comfortable.
like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Hey guys, तो अभी काफी रोशनी हो चुकी है और 7 बजने वाला है और अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है. अब हम कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेकर के खाते हैं एंड आप मेरी आंखों में देख सकते हो, आपको नींद टपकती हुई दिख रही होगी क्योंकि मैं सिर्फ 3 घंटे सोई हूँ. इनफैक्ट विक्की भी 3-4 घंटे ही सोया है. हम लोग रात को, विक्की 11 बजे सो गया था, मैं 12 बजे सोई हूँ और 3:15 बजे उठ गए थे. तो अब बस ये है कि भोपाल जाने के बाद खतरनाक सोने वाली हूँ मैं, खतरनाक वाला. अभी हम लोग नासिक क्रॉस करे हैं और यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्रेश फार्म्स हैं इसके ग्रेप्स के, तो हम लोगों ने थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं रास्ते में खाने के लिए. अभी हम लोगों से 4 hours हुए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, अभी मैं, हम लोग जहाँ पर एक स्टॉप लिया था हमने उसे अपना फेस वॉश किया ठंडे पानी से. मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी है अभी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट ठीक है, अभी 8 घंटे और है, पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ. मैं डायरेक्ट व्लॉगिंग ना आपको घर पहुँचने की बात करूँगी मे बी, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कब अभी बीच में चिड़चिड़ करने लगूँगी गर्मी की वजह से और भूख की वजह से भी. भूख तो नहीं बट गर्मी की वजह से मोस्टली, और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है तो मैं पागल हो जाती हूँ. तो विक्की को पता है ये चीज़, विक्की मुझे थोड़ी थोड़ी देर में बोला सो जाओ बट मैं ऐसे सोऊंगी नहीं बिकॉज मैं ड्राइवर सीट के बगल में बैठी हुई हूँ. हमारे ड्राइवर को नींद नहीं आनी चाहिए भाई, कोई जरूरत नहीं है. अगर ज्यादा चिड़चिड़ करिए पीछे डिक्की में बंद कर दूंगा. डिक्की में इतना सामान है, कहाँ से मुझे बंद करोगे? कर दूंगा, सामान बाहर निकाल दूंगा क्योंकि वो चिड़चिड़ नहीं करता है, आपको जरूर बंद कर दूंगा. Hey guys, so we reached इंदौर और अभी हम लोग इंदौर में हैं और हमारे रास्ते में एक्चुअली एक डीमार्ट पड़ रहा है तो हम वहाँ पर रुक रहे हैं और हम लोगों को डिटॉल और सैनिटाइजर लेना है. तो लेट्स सी कि यहाँ पर है कि नहीं, बिकॉज मुंबई में नहीं है, बैंगलोर में मेरी बात हुई फ्रेंड से, बैंगलोर में नहीं है, हैदराबाद में पता चला नहीं है, कोलकाता में नहीं है, बहुत सारी जगह पे सब आउट ऑफ स्टॉक है. तो लेट्स सी, मुंबई के लिए हम लोग यहीं से लेकर के जाएंगे. अगर यहाँ मिल जाता है तो मेरे नेबर्स के लिए भी लेना है, उनके लिए भी ले लूंगी मैं और हमारे लिए भी ले लूंगी. तो ऐसा ये है इंदौर का डी मार्ट. एक और बैड न्यूज बोलूँ कि क्या बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पर भी सैनिटाइजर्स नहीं है, इंदौर में सैनिटाइजर्स नहीं है. और लिटरली मतलब मुझे तो 2-3 खबरें पता चली है बट मैं थिंक ये ऑनलाइन इस तरह से बोलना इट्स लाइक अ र्यूमर हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट श्योर और मे बी मेरे ऊपर रिवर्ट कुछ हो सकता है तो मैं वो चीज़ बोलूँगी नहीं. बट हम, मैं 2-3 लोगों से मैंने बात करी और मुझे वो चीज़ कन्फर्म लग रही कि मे बी ऐसा हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ के सैनिटाइजर जो है वो पूरी तरह से निपट चुके हैं. बट इट्स वेरी बैड यार, इट्स वेरी वेरी बैड, मतलब सैनिटाइजर्स है ही नहीं. एंड यू वोंट बिलीव, पता है जब मैंने अभी डीक्लटरिंग किया था तो मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा सैनिटाइजर्स थे और आधे आधे थे, मतलब आधी आधी बॉटल से. मैंने कहा अरे ये क्या आया, ऐसा मैंने अपनी ना आंटी को दे दिए थे. ठीक है, बट ठीक है उनको काम आएगा वो, बट मेरे पास नहीं है अब. लिटरली मेरे पास सिर्फ 2 सैनिटाइजर है, एक विक्की के पास बचा है और एक मेरे पास है, दैट्स इट. उसके अलावा अगर ये खत्म हो गए तो पता नहीं हम क्या करने वाले. तो थोड़ा सा थोड़ी ना सैनिटाइजर नॉर्मल, अरे खाना नहीं है. हाँ बट स्टिल, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बाहर जा रहे हो, 100 चीजें आप टच करते हो, तो उस केस में, सिनेरियो में सैनिटाइजर मस्ट है. वी रीच्ड भोपाल, मैरागढ़ आ गए, मतलब भोपाल आ चुके हैं ऑलमोस्ट. सो ये, हे गाइस, सो आई रीच्ड हियर और हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे 7 o'clock पे, अराउंड 7:30 पे पहुंचे हैं. एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई थी, रिलैक्स हो गई थी. विक्की गया है उसके घर, मतलब मेरे इन लॉज के प्लेस में, और मैं यहाँ पर हूँ तो वो भी थोड़े दिन थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स करेगा, मैं यहाँ रिलैक्स करूँगी. तो इससे पहले कि कोई मुझसे ये स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछे कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ क्यों जाते हैं, भाई मैं ऐसे जाती हूँ जैसे शुरू के 2 दिन मैं हमेशा अपने घर पर रहती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा यू नो फ्रीली रहती हूँ, एंड देन फिर मैं 2 दिन वहाँ जाती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ फ्रीली नहीं रहती या रिलैक्स नहीं करती, बट ऑब्वियसली आप जहाँ बचपन से रहे हो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो. एज सेम विथ विक्की एज वेल, वो भी वहाँ अपने घर में अपने हिसाब से रिलैक्स करता है, मैं यहाँ अपने घर में रिलैक्स करती हूँ. तो वो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई कुछ इंटरप्ट नहीं करता है, ना ही कोई बड़े इसमें इंटरफेयर करते हैं अब तो. येस, एंड ऐसा हम लोगों ने अब वो, मतलब हमको जहाँ रेस्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, वहाँ 1-2 दिन हम करते हैं, फिर उसके बाद हम घूमने वूमने और हमारे जो प्लान्स होते हैं वो निकलते हैं. एंड होली वाले दिन 1-2 दिन उसके आसपास मैं वहाँ पर चली जाऊँगी, तब तक मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ. तो ऐसा है और अभी मैं यहाँ पर व्लॉग ख़त्म करती हूँ. ख़त्म मतलब मैं कल से रीस्टार्ट करूँगी, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ तो कल मैं रीस्टार्ट करने वाली हूँ. सो टिल देन.